Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. We are in the fourth unit, that is pointers and polymorphism in C++. So we have started polymorphism first and then we will study pointers concept. So in polymorphism, today we will study topic 4.2, that is compile time polymorphism. So in the last lecture we have studied about the basic concept of polymorphism. That is what is polymorphism, various types of polymorphism and their advantages. So polymorphism was the basic concept in OOPS. So now we will study in detail about different types of polymorphism, in which we have to study today is compile time polymorphism. So coming to compile time polymorphism, what we will study, that is what is compile time polymorphism, definition of compile time polymorphism. Now in compile time polymorphism there are two subtypes, that is function overloading and second type is operator overloading. So all these concepts we will study in today's video. POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So coming to what is polymorphism, तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखे. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर, बेसिक फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशंस. और वन लाइन डेफिनेशन हमने देखे थे, इट इज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट वन फॉर्म इनटू मल्टीपल फॉर्म्स. वही है, ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग वे से बिहेव करेगा, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म. In C++, we have two types of polymorphism, compile time polymorphism and run time polymorphism. Compile time को ही हम बोलते हैं static or early binding, and run time is also called as dynamic polymorphism or it is also called as late binding. So coming to compile time polymorphism. In compile time polymorphism, the function to be invoked is known at the compile time. अभी ये पॉइंट का मीनिंग क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि फंक्शन पहले से हम डिफाइन कर देंगे प्रोग्राम के अंदर, यानी पहले प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा. तो प्रोग्राम में जो भी फंक्शन है ये पहले से पता है कंपाइलर को, जब वो कंपाइल करेगा या वो फंक्शन के साथ अटैच जितने भी वैल्यूज है वो पहले से डिफाइंड है प्रोग्राम में, तो कंपाइलर को पहले से ही ये सब चीज़ें पता है. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइलर ऑलरेडी नोज व्हाट द फंक्शन इज एंड व्हाट आर द वैल्यूज टू बी पास टू द फंक्शन, दैट आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन. तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड, जो फंक्शन इन्वोक होने वाला है, क्योंकि हमको इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों पढ़ने का है, तो सभी होगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. द फंक्शन टू बी इन्वोक यानी जो फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑलरेडी नोन. इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग. तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही दूसरा नेम क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग. ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होगा, एक ही फंक्शन रहेगा, फंक्शन नेम विल बी सेम बट पैरामीटर्स इन डिफरेंट फंक्शंस विल बी डिफरेंट. सपोज एक फंक्शन में विदाउट एनी पैरामीटर है, दूसरे फंक्शन में वही सेम नेम का फंक्शन है बट उसमें टू पैरामीटर्स है, तीसरा फंक्शन भी वही सेम नाम से बनेगा बट उसमें सपोज 3-4 पैरामीटर्स है. तो फंक्शन नेम इज सेम बट द पैरामीटर्स आर डिफरेंट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग. अर्ली बाइंडिंग का मीनिंग होता है कि पहले से हमने वैल्यूज को बाइंड करके रखे हैं वो फंक्शन वैल्यूज के साथ, इसलिए उसको कहते हैं हम अर्ली बाइंडिंग. एंड स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स पहले से जो हम वैल्यूज पास कर रहे फंक्शन को, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिकली बाइंड. एक बार जो वैल्यू असाइन हो गया वो वेरिएबल को या वो फंक्शन को, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वही वैल्यू रहेगा. तो दिस इज
ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग इट इज अचीव्ड। अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये दो वे से हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं इन C++। ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड, मेथड का मीनिंग यहाँ पे फंक्शन, इज हैविंग द सेम नेम। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। वही हमने पहले भी समझा इसको कि फंक्शन नेम एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा फंक्शन रहेंगे प्रोग्राम में या क्लास के अंदर, बट फंक्शन नेम विल बी सेम बट द पैरामीटर्स इन विट विल बी डिफरेंट। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन एज इट इज नोन एट द कंपाइल टाइम। फास्टर एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि कंपाइलर को पहले से उसकी वैल्यू नोन है या मालूम है। इट इज लेस फ्लेक्सिबल एज मेनली ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द कंपाइल टाइम। अभी लेस फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने वैल्यूज अटैच करके रख दिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कब रहेंगी कि यूज़र को सपोज रन टाइम पे एग्जीक्यूट होने के बाद सपोज वैल्यूज चेंज करके देने का है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रहा, यानी डायनामिक कंसेप्ट नहीं हो रहा, हर टाइम पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, वही वही सेम रिपीटेड वैल्यूज का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा, तो वही है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ कमिंग टू फंक्शन ओवरलोडिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम। क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे, मेंबर फंक्शंस, बट सभी का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। उसके अंदर के पैरामीटर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे एक में पैरामीटर ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे, दूसरे फंक्शन में दो पैरामीटर रहेंगे, तीसरे में तीन रहेंगे, चौथे में चार, या एन नंबर ऑफ पैरामीटर। तो फंक्शन नेम सभी का एक ही रहेगा बट उसमें पैरामीटर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। वही कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड। देन द फंक्शन इज सेड टू बी ओवरलोडेड। फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और चेंज इन द टाइप ऑफ आर्गूमेंट। अभी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स तो हमको पता है कि एक फंक्शन में सपोज दो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट और पैरामीटर। जब हम कॉल करते हैं उसको बोलते पैरामीटर पासिंग, और जब डिफाइन करते फंक्शन को दैट सेम इज कॉल्ड एज आर्गूमेंट। ठीक है, अभी टाइप का मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ आर्गूमेंट। सपोज मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, वॉइड ऐड, ब्रैकेट ओपन किया, पहला वैल्यू लिया इंटीजर ए कॉमा फ्लोट बी। ठीक है, दो पैरामीटर हो गए, दो आर्गूमेंट हो गए फंक्शन के। अभी दूसरा सेम फंक्शन लिया है ऐड, उसमें लिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो ये है टाइप, एक इसमें इंटीजर फ्लोट है, दूसरे इसमें क्या है, दोनों इंटीजर है, तीसरे इसमें दोनों फ्लोट रह सकते। ठीक है, तो दैट इज टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये एग्जांपल में हमको एक फंक्शन देखने का है जिन दोनों के नाम सेम रहेंगे बट उसके आर्ग्यूमेंट क्या रहेंगे, अलग अलग। बेस्ड ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स वी पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल डिटरमाइंस विच फंक्शंस टू बी कॉल्ड। अभी ये लाइन का मीनिंग क्या हो रहा, हाउ मेनी पैरामीटर्स वी पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, यानी जब हम एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम उस टाइप पे अगर मैंने तीन वैल्यूज पास किया प्रोग्राम को, तो वो क्या ढूंढेगा, सबसे पहले ऐसा फंक्शन ढूंढेगा जिसमें तीन वैल्यूज वो ले रहा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन अपने पास सेम नाम से है पर उसके पैरामीटर क्या है, अलग अलग। दिस इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज इन डिफरेंट कंडीशन द आउटपुट इज डिफरेंट। सिंस द कॉल इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो अपने को बेसिकली एग्जाम्पल देखने का है, एग्जाम्पल से बहुत ईजियर वे से अपने को समझ में आएगा। तो ये क्लास लिए अपन ने, ऐड नाम से क्लास बनाए, कौन से नाम से बनाए, ऐड नाम से क्लास बनाए।
उसमें हमने पहला फंक्शन बनाया है सम नाम से। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में एक तो अपन वॉइड लिखते हैं जनरली, वॉइड गेट डेटा, वॉइड पुट डेटा। तो रिटर्न टाइप क्या है, वो फंक्शन का इंटीजर, कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या लिखे, सम। अभी इसके अंदर आर्गुमेंट देखो क्या क्या पास किए हमने, आर्गुमेंट कितने पास किए हैं, ये पहला आर्गुमेंट और ये है हमारा सेकंड आर्गुमेंट। तो इंटीजर नम वन, तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया, कॉमा इंटीजर नम टू, यानी ये फंक्शन को कितनी वैल्यूज पास करना पड़ेगा अपने को, दो वैल्यूज। ठीक है, और क्या कर रहा है ये सम फंक्शन, रिटर्न कर रहा नम वन प्लस नम टू, यानी दोनों का एडिशन रिटर्न कर रहा। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी दूसरा फंक्शन देखो, सेम नाम से बना है, इंटीजर सम। यहाँ पे भी सम था, यहाँ पे भी क्या लिखे हमने, सम। बट इसके अंदर आर्गुमेंट्स कितने हैं, इंटीजर नम वन, इंटीजर नम टू, इंटीजर नम थ्री, यानी थ्री आर्गुमेंट्स है। तो जब कोई यूजर थ्री वैल्यूज पास करेगा सम को, तो वो थ्री वैल्यूज का एडिशन हमको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री। तो ये कंसेप्ट हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। क्या हो गया, फंक्शन नेम आर सेम बट आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। तो ये हमने क्या किए, सम नाम के फंक्शन को ओवरलोड किए। सो दिस, और सम क्या है, फंक्शन है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें पैरामीटर अलग है, इसमें पैरामीटर अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन बाय द यूजर, वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो हमारा क्लास हो गया, मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐड का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे नाम से, क्या कहिए, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम इज ऐड, ओबीजे इज ऑब्जेक्ट नेम। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखे, सी आउट। सी आउट क्या लिखे देखो अपन ने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम क्लास के अंदर जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, तो ऑब्जेक्ट डॉट सम। बट इसके अंदर वैल्यूज कितनी पास किए, टू वैल्यूज आर बीन पास। तो किसके पास जाएगा, कौन से सम के पास जाएगा, ये फर्स्ट वाले सम के पास, क्योंकि इसके पास आर्गुमेंट कितने हैं, दो, नम वन नम टू। पास कितनी वैल्यूज किए, 10 एंड 20, यानी टू वैल्यू। तो ये करके एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आंसर आने को होना 10 प्लस 20, यानी 30। तो ये हो गया। अभी सेकंड लाइन में हमने क्या किए, सेकंड वाले फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट सम, बट इसमें पैरामीटर्स कितने हैं देखो, वैल्यूज कितनी पास किए, तीन। तो तीन इसके पास जाएगा कि नहीं, तो किसके पास जाएगा, जिसमें तीन वैल्यूज है, यानी ये वाले फंक्शन के पास जाएगा जिसके पास तीन वैल्यूज है, नम वन नम टू नम थ्री, क्योंकि वैल्यूज कितनी पास की है, तीन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंपल है, जितने आर्गुमेंट पास करेंगे वो फंक्शन के पास जाएंगा, फंक्शन नेम सेम रहेंगे बट उसके आर्गुमेंट क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले का आएगा 10 प्लस 20 यानी 30, और दूसरे का क्या आएगा, 55 प्लस 11 66। तो आउटपुट इज 30 एंड 66। तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट वी कम टू सेकंड टाइप ऑफ ओवरलोडिंग, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होगा, ऑपरेटर्स यूज करेंगे अपन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बोलते, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं किसके ऊपर, ऑपरेट करते हैं वैल्यूज के ऊपर। तो वैल्यू को हम बोलते हैं वहाँ पे ऑपरेंड, वैल्यूज को क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। जैसा 2 प्लस 3 किए, तो 2 एंड 3 आर कॉल्ड एज ऑपरेंड, एंड ऑपरेटर इज प्लस। 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, तो ऑपरेंड कौन से हो गए, 10 20, मल्टीप्लीकेशन इज द ऑपरेटर। तो वही ऑपरेटर को हमको ओवरलोड करने का, यानी सेम ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, ओवरलोड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर स्ट्रिंग क्लास टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। अभी प्लस से जनरली क्या करते हैं हम, एडिशन। दो नंबर्स अगर पास किए और उसके बीच में प्लस लगा, तो वो एडिशन आएगा, उसका टोटल आएगा, सम आएगा, जो भी आएगा। बट प्लस को ही अगर हम मैंने स्ट्रिंग में यूज़ किया, जैसा राम,
पहला स्ट्रिंग है राम, दूसरा है लक्ष्मण, और प्लस किया दोनों स्ट्रिंग को, तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, एक ही वर्ड हो गया राम लक्ष्मण। तो वही है, यू नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर हुज टास्क इज टू ऐड टू ऑपरेंड्स। अभी ये हमको मालूम है, प्लस किए तो दोनों को ऐड होंगे। सो सिंगल ऑपरेटर प्लस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन इंटीजर ऑपरेंड एड्स देम एंड व्हेन प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रिंग ऑपरेंड कॉन्कैटिनेट्स देम। तो वही है, अगर ऑपरेटर प्लस अगर हमने इंटीजर वैल्यू के साथ दे दिए तो वो दोनों का एडिशन करेंगे, प्लस व्हाट वही ऑपरेटर प्लस जब हमने स्ट्रिंग को दे दिए तो वो दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्कैटिनेट और दोनों को कंबाइन करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास बना है, क्लास कॉम्प्लेक्स, उसमें दो हमने डेटा मेंबर लिए, इंटीजर रियल एंड एक इमेजिनरी, तो इमेज नाम का वेरिएबल मेंबर फंक्शन बनाए कॉम्प्लेक्स नाम से। अभी कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास का नेम और इसका नेम सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, मेंबर फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर, तुम दूसरा भी कोई फंक्शन नेम ले सकते। तो इंटीजर आर इक्वल्स टू ज़ीरो ये आर्गूमेंट पास कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर दो वेरिएबल लिए हैं, तो इंटीजर आर इक्वल्स टू ज़ीरो और इंटीजर आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी ये आर और आई की वैल्यू किसको पास किए हमने, रियल को, रियल जो ऊपर लिए थे वेरिएबल, रियल को किसकी वैल्यू पास किए, आर की, आर में क्या है ज़ीरो, तो रियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ज़ीरो, इमेज क्या हो जाएगा आई, आई क्या है ज़ीरो, तो दोज बोथ द वैल्यूज विल बी ज़ीरो ज़ीरो। ये कंस्ट्रक्टर का काम है कि ऑटोमेटिकली इनिशलाइज करेंगे जो भी डेटा मेंबर्स है उसको, ठीक है। अभी अपने को ओवरलोड करने का है, तो ये एक फंक्शन हो गया पहला फंक्शन। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम आर सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, तो वो फंक्शन ओवरलोड, हमको पढ़ने का है ऑपरेटर ओवरलोड। अभी देखो, हमने एक फंक्शन बनाया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो फंक्शन बना है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये क्लास का नाम। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप क्या रहेगा, क्लास नेम, तो कॉम्प्लेक्स इज द क्लास नेम। ऑपरेटर, ऑपरेटर ये हमको देना पड़ेगा, ऑपरेटर उसको समझने को होना कंपाइलर को कि ये आगे जो दिया है इसके लिए क्या है, तो ऑपरेटर प्लस, ठीक है। इंटरनली कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, कॉम्प्लेक्स प्लस नाम से। ऑपरेटर सिर्फ हमने कंपाइलर को समझने के लिए दिए कि ये प्लस क्या है, ये है हमारा ऑपरेटर, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस, और इसको वैल्यू, इसका आर्गुमेंट क्या दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किए, एम्परसेंड एड्रेस मीन्स वो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसका उसका एड्रेस पास करेंगे, यानी पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूजर, तो कॉम्प्लेक्स आर ई एस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पास किया आर्गुमेंट, कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा उसको हम पास कर रहे, तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, तो क्या ऑब्जेक्ट बनाया हमने, आर ई एस नाम से ऑब्जेक्ट, तो आर ई एस डॉट रियल इक्वल्स टू रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट रियल, रियल क्या है, रियल हमारा डेटा मेंबर, हमारा क्या है डेटा मेंबर, तो रियल, रियल क्या है अभी के कंडीशन में जीरो, जीरो प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल, जो ऑब्जेक्ट पास करेगा उसके साथ रियल की वैल्यू अटैच करेगा। सेम फॉर आर ई एस डॉट इमेज, ये बेसिकली इमेज है तो उसको शॉर्ट फॉर्म किए इमेज, आई मैक, तो आर ई एस डॉट आई मैक इक्वल्स टू इमेज प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, और रिटर्न किए उसको, प्रिंट क्या किए, रियल आई एंड इमेज। तो ये हो गया हमारा, ऑपरेटर को ओवरलोड किए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, 12 प्लस 19। अभी इसमें तो अपन को ये आ सकता दिमाग में कि हमने मेन फंक्शन तो यूज किए ही नहीं, ठीक है ना, मेन फंक्शन का यूज किए इसमें, तो मेन फंक्शन की जगह अपन ने क्या यूज किए, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर,
कॉम्प्लेक्स यानी क्लास नेम और उसको ओवरलोड कर दे ऑपरेटर, तो उस कंडीशन में हमको मेन फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। MSBT क्वेश्चंस डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म लिस्ट इस टाइप, ये तो सिंगल लाइन डेफिनेशन है। टू टाइप्स क्या है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने एक्सप्लेन किए विथ एग्जांपल 6 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर पूछा एग्जाम पूछते ही है तो फंक्शन ओवरलोडिंग पूछना ही है उसको। या तो क्या आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है फॉर 6 मार्क्स। So what we have learned today, what is compile time polymorphism and its type, that is function overloading and operator overloading. So in the next video lecture we will study about runtime polymorphism. So thank you for watching the video.